साइबर सिटी गुरुग्राम में पब्लिक के पैसे के दुरुपयोग का एक और मामला सामने आया। दरअसल आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2013-14 के बीच नगर निगम गुरुग्राम ने 584 साइकिलें खरीदी थी। ये साइकिलें राहगीरी प्रोग्राम के लिए खरीदी गई थी। प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम कमिश्नर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक रविवार को साइकिल पर निकलकर शहर के लोगों को साइकिल से चलने की सलाह देते थे। नगर निगम ने इस प्रोग्राम के लिए करीब 584 साइकिलें लगभग 44 लाख रुपए खर्च करके खरीदी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि निगम में साइकिल की पेमेंट के लिए लगाया गया बिल पूरी तरह से फर्जी है। अगस्त मार्च 2014 से लेके और अगस्त 2014 तक 584 साइकिल खरीदी गई थी राहगीरी के लिए, जो आरटीआई के थ्रू मालूम पड़ा है। और ये बैचेस में खरीदी गई थी, जिसके लिए ऑडिटर से भी ऑब्जेक्शन लगा रखा कि आपने बैचेस में क्यों खरीदी है, पहली बात। दूसरी बात, उस 584 में से राहगीरी जब बंद कर दी गई तो 172 साइकिल तो इंडिविजुअल्स को दान दे दी गई, वो लिस्ट आज तक मुझे नहीं मालूम पड़ी। फिर जो 428 साइकिल है वो किसी एम्बार्गियो कोई एनजीओ है उसको दे दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए ऑब्जेक्शन लगाया ऑडिटर्स ने कि भाई आपने किस अथॉरिटी रूल के तहत आपने दिया है। चलो ये तो एक अलग पार्ट हो गया, अब नया फर्जी वाड़ेगा। ये साइकिलें जो मेरे पास हिसाब आया वो आया है सिर्फ 200 साइकिलों का, कि भी 200 साइकिल का वाउचर्स आए, मेरे पास बिल आए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 29 फायर स्टेशन के अंदर बने शेड में सैकड़ों साइकिलें जंग खा रही हैं, लेकिन निगम को इनकी परवाह तक नहीं। इतना ही नहीं, जब इस संदर्भ में गुरुग्राम के निगम कमिश्नर वी उमाशंकर से बात करने की कोशिश की तो निगम कमिश्नर ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और मामले की जांच लोकायुक्त के पास होने का हवाला दिया। हालांकि ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब निगम कमिश्नर निगम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर चुप्पी साध रही हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि निगम के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं। ऐसे में सबकी निगाहें लोकायुक्त की टीमों पर टिकी हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकेगी जो पब्लिक पैसे के दुरुपयोग के दोषी हैं। टोटल न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।